स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल ईगल आयुर्वेदा पर। दोस्तों ये पौधा आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधि है। इसके फायदे इतने हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे। जहां बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहीं इस पौधे के इस्तेमाल से महिलाओं में होने वाली परेशानियों में यह आयुर्वेदिक औषधि रामबाण साबित होता है। दोस्तों इस पौधे को देखकर आप इसका नाम जान ही गए होंगे। ये अनार का पौधा है। इसके फल, फूल, पत्तियाँ, जड़, तना सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म जो लगातार महीनों तक चलता रहता है, इसको आयुर्वेदिक औषधि अनार का प्रयोग करके हम आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं, आप इस वीडियो पर बने रहें। आपको सभी जानकारी इस वीडियो पर देने वाला हूं, क्योंकि जिस महिलाओं को यह परेशानी है यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों बहुत से ऐसे महिलाएँ होते हैं जिसको मासिक धर्म आने के बाद लगातार चलता ही रहता है, बंद नहीं होता, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही नुकसान है। इसके चलते शरीर में खून की कमी हो जाती है और कई प्रकार के अन्य परेशानी भी आने लगती है। जिस किसी माँ बहनों को यह परेशानी है, कभी इस बात को छुपाकर ना रखें, क्योंकि शरीर में परेशानियाँ बढ़ जाएगी। जिस किसी माँ बहनों को इस प्रकार की परेशानी है, वे अनार के 3 से 4 फूल लें और इसकी चटनी बना लें और उसमें शहद और मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट 2 से 3 दिन तक सेवन करें, खून गिरना बंद हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ है तो आप दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। दोस्तों अनार का फूल लगातार होने वाले मासिक धर्म को रोकने में बेहद फायदेमंद है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अनार का पौधा प्रायः सभी घरों में देखने को मिल जाता है। आप वीडियो में बताए गए तरीकों के अनुसार इसका सेवन करें, आपको इससे बेहद ही लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा आयुर्वेदिक औषधि के सेवन से हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं है, बल्कि इससे कई गुना लाभ ही होता है। जो महिलाएं लगातार मासिक धर्म बहने की परेशानी से ग्रस्त है, उनके लिए अनार का फूल बेहद ही फायदेमंद है। आप इसका उपयोग जरूर करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो पर।